बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज हम आपको हाफ़िज़े की कमज़ोरी अक्सर जो है बात का याद ना रहना, किसी का पैगाम देना उसको भूल जाना, तो ऐसे में दिमागी कमज़ोरी के लिए आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी इलाज बताएंगे। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका हाफ़िज़ा कभी मज़बूत होगा, आप कही हुई बातें आपको याद रहेंगी, कंप्यूटर की तरह आपका जहन काम करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप्स है। तो दोस्तों, इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं साथ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। चलिए हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन से अज़ा शामिल होंगे। तो सबसे पहले आप तमाम अज़ा अपने हसब ज़रूरत भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकर मारकंगनी आप ले लें 6 तोला, फलफल दराज ये 5 तोला, सुंड 5 तोला, अगर करा 2 तोला। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पीस कर गाय के घी जो है, गाय का जो घी है इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और उसके बाद इन तमाम अज़ा के 2 गुना ज़्यादा इसमें शहद शामिल कर लें। ये एक मजून बन जाएगी। 4 से 6 माह तक इसकी खुराक एक टाइम आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें आप इस रात को इस्तेमाल करें सोने से पहले। ये मजून जो है ये मकवी हाफ़िज़े के लिए बहुत ही कामयाब है, औरतों के कमज़ोरी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त जो है, हाफ़िज़े के लिए ज़बरदस्त ये मजून है। इसको हर कोई वो इस्तेमाल कर सकता है जिसको हाफ़िज़े की कमज़ोरी है, जिसकी दिमागी कमज़ोरी है उसके लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अपने बहन भाइयों के लिए मकवी हाफ़िज़ा मजून बनाएँ और मज़े लें। तो अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।